कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात हो कर रहे हैं जरूर बदलने की, वो तो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ब्रिज भूषण ने अपने बयान में एक और चीज बोली है कि हर एक महीने बाद दो महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं, हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही हैं। पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को बुरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े, और मैं चाहूंगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। एज ए एथलीट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता है, पूरा देश बहुत दुआएं देता है। जब मुझे इंजरी होती तो पूरा देश रोता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की जिंदगी हम जीते हैं, पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं सब डिजर्व करते हैं, और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ, मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हैं। उसेन बोल्ट है हमारे बजरंग, मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता है। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूं कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊं। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दे कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था, और विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात हो कर रहे हैं जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया। इस चीज से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप पे एलिगेशन लगे आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल तुमसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिए, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है जी? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियली चीजें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे ही, तो मैं जो सभी से ये कहना चाहूंगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अब अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। देखिए, रात को यहाँ पे हम 12:30 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे।
गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर अब तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में, राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीते तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा ही नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। क्योंकि यहाँ पे मच्छर इतने ज्यादा है कि ना चाहते हुए भी वो काट ही लेते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी है, मच्छर काट रहे, इतने ज्यादा मच्छर होते हैं रात को 12-12, 12:30 बजे तक। आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो, तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संविधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा दे ही दें। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म है जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा, और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार नहीं दे रही थी, सामने से बोला अब मेरे को कार नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें, वो जबरदस्ती कार लेते थे, अगर नहीं देते थे वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे, ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर डिंग है कि बोल रहे हो आप इतने साल क्यों लग गए बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ब्रिजभूषण ने अपने बयान में एक और चीज बोली है कि हर एक महीने बाद, दो महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं, हम नहीं लेके आते। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही हैं। धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच।